देखिए, इस पर बहुत ज्यादा सियासत अब नहीं होनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने उस इंट्रीम ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया है जिसमें इनकी गिरफ्तारी से इन्हें सुरक्षा दी गई थी। इसलिए सीबीआई के पास उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और सीबीआई इस कार्रवाई को जल्द से जल्द एक तार्किक परिणति पर पहुंचाना चाहती है। यही वो कारण है जो हम समझ सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें कल अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा यूजेस क्रिकेट एनालॉजी टू टेक स्वीप एट सेंटर ओवर स्लो डाउन। देखिए, अर्थव्यवस्था के स्लो डाउन को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कुछ भी कहा है वो कहीं ना कहीं उसमें सियासत तो है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को आज उपचार की जरूरत है और अगर रोग की पहचान करके उसका हम इलाज कर सकें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विराट आकार है और इसके अंदर जो अंतर्निहित जो क्षमता है ऐसे संकट से खुद को उबारने की, वो भारत को दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले एक अलग स्थिति में बराबर बनाए रखता है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए 1991 और 2008 के बाद ये भारत के लिए एक ऐसा अवसर है जहां बहुत ही सावधानी के साथ इस स्थिति को अवसर में बदलने की जरूरत है। इमरान खान मुजफ्फराबाद में एक जलसा रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इसको संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे पर भारतीय सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और नरेंद्र मोदी को बचपन से ही आरएसएस का सदस्य करार देते हुए कहा है कि इस पार्टी की स्थापना केवल हिंदुओं के लिए की गई थी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए की गई। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पूरा स्वरूप धर्म निरपेक्ष था। मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों के बनाए जाने की वकालत की। आज का पाकिस्तान जिन्ना के उन उसूलों का पाकिस्तान है जिसमें वो मानते थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों के लिए एक आदर्श पनाहगाह होगा और इसीलिए पाकिस्तान को बनाए जाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाया। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, कश्मीर भारत के साथ जुड़ना चाहता था, भारत ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। पाकिस्तान वहां आक्रमणकारी की स्थिति में है, इसलिए जिस मुजफ्फराबाद से वो वहां सॉलिडारिटी के लिए जलसा कर रहे हैं वो मुजफ्फराबाद दरअसल पाकिस्तान का नहीं, वो हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान को ये हक है कि कश्मीर के उस बचे हुए हिस्से पर भी तिरंगा लहराए और इसको किसी भी सूरत में इमरान खान और उनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए आने वाले वर्षों में रोक पाना शायद आसान नहीं होगा। इसलिए पूरी दुनिया कश्मीर के सवाल पर हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। पाक के मंत्री ने माना कि लाखों रुपए खर्च किए गए जेयूडी पर। देखिए, जेयूडी को लेकर के दुनिया जो है भारत पर भरोसा करती है। जेयूडी को लेकर के हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये स्वीकारोक्ति के बाद दरअसल एक टेररिस्ट आउटफिट का नाम जेयूडी इसलिए किया गया कि कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से उस संगठन को नाम बदल करके बचाया जा सके। पूरी दुनिया में जो उनके बैंक अकाउंट हैं नए संगठन के नाम से खोल करके बदस्तूर आतंक का जो कारोबार है उसको जारी रखा जा सके। लेकिन पाकिस्तान के मिनिस्टर के स्वीकारोक्ति के बाद अब पूरी दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का खौफनाक चेहरा सामने है और इसीलिए अब आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ उन्हें किसी भी तरह की सहायता अगर दुनिया के अन्य देशों से कहीं से भी मिल रही है उसको अविलंब रोक करके पाकिस्तान का बहिष्कार किया जाना चाहिए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के बयान दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का गठन ही जो हुआ था विभाजन के बाद हुआ था भारत पाकिस्तान, जिसे 1971 में विभाजित फिर से किया गया, आज यह 5-6 टुकड़े में विभाजित होने के कगार पे है। पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध टूटना चाहते हैं। विशेषज्ञ पाकिस्तान के लिए इस भाग्य की भविष्यवाणी करते हैं, यह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है पाकिस्तान। आरएसएस का पर्सपेक्टिव क्या है, ये आरएसएस इस पर रोशनी डालेगा, लेकिन हम ये मानते हैं हिंदुस्तान का जो इतिहास है, अविभाजित हिंदुस्तान का विभाजन और जिस तरह से पाकिस्तान
धर्म के बुनियाद पर बना और पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रीयता की पहचान को लेकर, वहाँ पंजाब के प्रभुत्व को लेकर और एक अनैतिक आधार पर बनने वाले पाकिस्तान के अंदर जो आंचलिक जो वहाँ उपराष्ट्रीयता है वो जिस तरह से उभर करके आई, वहाँ चाहे वो पख्तूनिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित बाल्किस्तान हो, सिंध हो, वहाँ निश्चित तौर पर पृथकतावादी शक्तियाँ काफ़ी मजबूत हो रही हैं। लेकिन ये मसला पूरी तरह से पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। हमारा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है, पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, कश्मीर हमारा है, इसलिए पीओके भी हमारा है और पीओके हिंदुस्तान के साथ आए, हिंदुस्तान के हिस्से में आए, ये कहीं न कहीं भारत को फैसला करना है।